Hey guys, welcome back to my channel Mick Jodhpur. So आज मैं कर रही हूँ होम टूर, माई फर्स्ट हाउस टूर इन ऑस्ट्रेलिया. सो लेट्स सी कि कैसा लगता है आपको घर. मैं आपको दिखा देती हूँ कि मेरा घर कैसा है जहाँ पे मैं रह रही हूँ. और अगर किसी ने कोई भी फाइल के बारे में डिस्कशन करनी है तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में एक एजेंट है, और मैंने भी काफ़ी एजेंट्स के पास गई थी. ठीक ठाक सा ही वो लाइक हमें गाइड करते हैं, बट जो एजेंट के बारे में मैं बात कर रही हूँ उन्होंने बहुत अच्छे से गाइड किया. अगर आपने उनके बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं सिंगल सिंगल पर्सन को उनका कॉन्टैक्ट दे दूँगी. वीडियो शुरू होने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो जिससे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे. सो करते हैं वीडियो शुरू, लेट गेट स्टार्टेड. सो मैं बाहर से दिखा देती हूँ घर कुछ ऐसा दिखता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है. और ये बिन्स पड़े हैं, ये येलो बिन होता है रिसाइकल के लिए, जैसे कोई भी प्लास्टिक की बॉटल्स है ना, पेपर की, तो वो वाला. और ये रेड बिन होता है गार्बेज के लिए, जो नॉर्मल गार्बेज होता है, कूड़ा. ठीक है, यहाँ पे हम शूज़ वगैरह उतारते हैं, तो चलो लेके चलती हूँ मैं घर की. और सो दिस इज़ द एंट्रेंस, हम हो चुके हैं घर में एंटर. अभी हम घर में एंटर हो चुके हैं. तो ये है लिविंग एरिया जहाँ पे हमारे सोफ़ाज रखे हुए हैं. पता नहीं ये कंबल कौन लेके आया, किसका कंबल है ये, बट सुंदर है देखने में, है ना. काफ़ी मोटा भी है, गर्म है. और ये जो सोफ़ाज हैं ये भी है, और यहाँ पे टेबल लगा हुआ है. और ये इंदर का बेड है जो कि कचरा बनाया हुआ है उसने. तो हम अगर सीधा जाएंगे तो यहाँ पे एक कपबोर्ड है जहाँ पे इंदर थोड़ा सा सामान रख लेता है अपना. और यहाँ पे है हमारा फ्रिज जिसके ऊपर है एग्स. उसके बाद ये हमारी किचन है, किचन, प्यारी प्यारी किचन, जिसमें है एक माइक्रोवेव. ये है हमारी गैस, वैसे तो ये गैस यूज़ करनी अलाउड नहीं है. गैस अलाउड है ये यूज़ करनी, इलेक्ट्रिसिटी वाली, पर हमने चुपके से एक छोटा सा सिलेंडर रखा हुआ है और ये वाली गैस लाकर हम यही यूज़ करते हैं. ये हमने सब्जी बना रखी है, ये रोटी के लिए तवा है, जो आएगा रोटी बनाएगा और जाएगा. चलते हैं आगे. यहाँ पे एसी भी लगा हुआ है इंदर के पास, इंदर महाराजा है ना, तो सिर्फ इसके पास एसी है. तो इसके बाद हम चलते हैं हमारे कमरे की. और ये एक भैया का कमरा है, दिखा नहीं सकती, प्राइवेसी इश्यूज. ये दीदी का कमरा है, ये दिखा सकती हूँ मैं. तो इनके कमरे पे निगाह मार लेते हैं. ये काफ़ी साफ़ है ना, काफ़ी साफ़ है. ये है उनका पंखा, एज यूजुअल ऊपर नहीं होते यहाँ पे पंखास, यहाँ पे ऊपर सिर्फ लाइट्स होती हैं. ठीक है, यहाँ पे इनका पंखा पड़ा है, ये इनका लैपटॉप होगा, और ये इनका बेड है, काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज किया हुआ है. वहाँ पे इनका कंबल वंबल है, और ये इनकी अलमीरा है जो कि इन्होंने खोल रखी है. कैन यू सी मी? और ये है उनका कमरा, दीदी का. और एक और बात, यहाँ पे ना सायरन लगे होते हैं, ठीक है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ कैसा है. जैसे हम परांठास बनाते हैं तो उसका काफ़ी धुआं होता है, अगर किसी भी चीज़ का धुआं होगा ना तो वो सायरन बज जाएगा, और जो आपके आंटी गवंडी होंगे, ठीक है, आस पड़ोस के लोग होंगे, ठीक है, वो पुलिस को बुला लेंगे, ठीक है, या फायर ब्रिगेड को साथ में, ठीक है. तो उसका ध्यान रखना होता है परांठे बनाते समय, और थोड़ा जो भी जिससे धुआँ होता है. दिखा देती हूँ आपको कौन सा सायरन होता है, वो ये वाला सायरन होता है. इस पे मैंने ये कारीगरी की है, इस पे मैंने वो नहीं होता क्या कहते हैं उसको, इस पे मैंने लैमिनेशन सी चढ़ा रखी है क्लिंग रैप के साथ. क्लिंग रैप के साथ मैंने इसको लैमिनेट किया हुआ है, तो ये बजता नहीं, इसमें धुआं ही नहीं जब चढ़ेगा तो बजेगा कैसे. ठीक है, इसका मैंने जुगाड़ कर रखा है. और इसके बाद मैं आपको पहले वॉशरूम ही दिखा देती हूँ. तो यहाँ पर आ जाता है हमारा वॉशरूम, खुला ही पड़ा था. ठीक है, लाइट ऑन कर लेती हूँ. यहाँ पे देखो एक लाइट है, एक फ़ैन है, एक हीट है गर्म. ठीक है, जैसे सफाई करके हटते हैं तो ये ऑन कर देते हैं, सूख जाता है जल्दी. यहाँ पे है सिंक, वहाँ पे हूँ मैं. ठीक है, मिरर है, यहाँ पे हम अपने रखते हैं ब्रशेस. ये है शावर, यहाँ पे कपड़े टांगने के लिए ये बना हुआ है. तो ये बाथरूम है, काफ़ी अच्छा है, सुंदर है, छोटा सा है बट अच्छा है. लाइट लगी हुई है तो कर देते हैं ये बंद. उप्स, लाइट रहेगी, बिल आ जाएगा इलेक्ट्रिसिटी का. और इसके बाद मैं एक चीज़, मेन चीज़ तो दिखाना भूल ही गई, वहाँ पे गोल्डन टेम्पल की फ़ोटो लगी हुई है बाबा जी की. तो ये देखो कितनी सुंदर है ना, प्रीटी गोल्डन गोल्डन.
तो अभी फाइनली मेरे रूम की तरफ चलते हैं, दिखा देते हैं कितना गंद मचा के रखते हैं हम। और एक फनी बात, मैंने अभी तक अपना बैग नहीं संभाला, देखो कितनी ज़्यादा लेजी हूँ मैं। ठीक है, ये है मेरा फ़ैन, एज़ यूजुअल ऊपर नहीं होता। ठीक है, ये हमारा फ़ैन है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, ब्लैक कलर का, किसी के पास नहीं। यस, और ये हमने, और ये हमारी एक फ्रेंड लेके आई थी। ठीक है, यहाँ पे हम फ़ोन रख लेते हैं, वहाँ चार्जर लगा के वहाँ पे फ़ोन रख लेते हैं, वहाँ पे मैंने थोड़ा स्टफ़ रखा हुआ अपना। और ये हमारा बेड है, ठीक है, ये बेड है, वहाँ पे पिलो है, ये कंबल, ये मेरा साइड टेबल, और ये मेरे शू। ठीक है, तो ऐसा है हमारा रूम, वहाँ पे विंडो भी है, मैं विंडो का व्यू भी दिखा देती हूँ। और इधर हमारी, ओ शिट, यहाँ पे हमने मंदिर और गुरुद्वारा दोनों ही बनाए हुए हैं, बाबा जी रखे हुए हैं और माता रखी है शेरावाली, और हनुमान जी रखे हुए हैं, तो सभी जय कर दो, ये ज़रूरी है, इनके बिना कुछ भी नहीं। सो आपने देखा, ऐसा है हमारा रूम, मैं आपको विंडो भी दिखाई देती हूँ। यहाँ से खुलेगी विंडो, ठीक है, यहाँ पे हमारे गवांडी रहते हैं। ठीक है, और ये व्यू है हमारी विंडो में से, वहाँ सामने देखो, ऐसे लगता है ना पहाड़ पे रहते हैं, जैसे सी ऐसे लगता है ना पहाड़ों पे रहते हैं। व्यू बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, रात को तो और भी सुंदर हो जाता है, यहाँ पे मून दिखता है सीधा। तो ये है हमारी विंडो का व्यू, सुख कर दे, चलो खुले ही रहने दो इसको। सो ऐसा कुछ था मेरा हाउस टूर, मेरा रूम टूर। तो आप बताना आपको कैसा लगा मेरा रूम और घर कैसा लगा। और मेरा जो रेंट है वीकली जाता है, और मेरा वीकली जाता है 130। ठीक है, बिल्स अलग हैं सारे, ठीक है, ग्रोसरी अलग है, सब कुछ अलग है, बस सिर्फ रेंट 130 है। सो दैट इज़ इट। सो ये था मेरा होम टूर, और जो स्टार्टिंग में मैंने बताया एजेंट के बारे में, जो भी इंफॉर्मेशन लेनी है आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको बता दूंगी। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।